फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने केंद्र सरकार से वाई ग्रेड की सुरक्षा की मांग की। पायल घोष के वकील ने पीएमओ समेत केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के सीएम को टैग कर ट्वीट किया, कहा जान का खतरा है, हमें वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी जाए। इसके साथ ही पायल घोष ने रेप के आरोपी डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर एक्शन नहीं होने पर हंगर स्ट्राइक की धमकी दी है। अनुराग कश्यप पर कार्रवाई नहीं होने से भड़की एक्ट्रेस। रेप केस में पायल घोष ने मुंबई पुलिस से मांगा इंसाफ। इंसाफ नहीं मिलने पर भूख हड़ताल की दी धमकी। 19 सितंबर को पायल घोष के इस ट्वीट ने खलबली मचा दी थी। पायल घोष ने बॉलीवुड के फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया। बाद में पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करवा दिया। पायल ने अनुराग कश्यप पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पायल ने अनुराग कश्यप पर करीब 6 साल पहले जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने रेप की धाराओं में अनुराग कश्यप के खिलाफ केस भी दर्ज किया, लेकिन अब तक अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुराग को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। यही वजह है कि पायल घोष अपने वकील के साथ कल मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस अफसरों से एफआईआर का स्टेटस जानने की कोशिश की। पायल जब बाहर आई तो निराश दिखी। पायल अनुराग कश्यप पर कड़ी कार्रवाई चाहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।